ले तुम पकड़ो भैया, भैया रहे ना पास पास भैया का कहाँ दादा कहाँ है? नहीं मैंने अभी बंद किया, आप आ गए। ये मोबाइल को हो क्या जा रहा है? हो क्या जा रहा है? भैया पास मोबाइल चाचा का मोबाइल, ये लो दादा चाचा का मोबाइल। इधर आ रहे मारो उनकी बहन। बोल नीचे बैठो उधर से। पहले इसमें साइड में लेकिन लाइट बना सबको एक तरफ से, उधर जब खड़ा हो लाइट वीडियो आओ। अच्छा सबको नीचे बैठा, सब नीचे बैठ जाओ भैया। तू वीडियो बना जी पापा जी। हाँ तुम्हारा मोबाइल तुलसी दादा पास है, फायर ब्रिगेड से पानी छिंचोगे हमारे ऊपर। पसीना पसीना करता है ये पुलिस वाले लोग। यार ये भी आदमी गनमैन साहब ये कहा था कुछ शूट करो तुम्हें। भाजपा वाली सुबह आई थी, समझौता कर रहे थे भाजपा वाली यहाँ पे थाना पे। हम आए थे यहाँ पर, मैं देखा हूँ, देखा हूँ और फोटो निकाला हूँ मैंने। अत्याचार करना बंद करो, अत्याचार करना बंद करो, अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। साथियों जैसे कि आप सभी को सूचित है कि हमारे दो साथियों को रास्ते में रोक कर कुछ उपद्रव लोगों ने, और उपद्रव कौन है आप लोग जानते हो, उन लोगों ने उनको तलवार मारी। क्या सोच के तलवार मारी कि ये जो दो लोग हैं, लेकिन आज इस चांद की धरती से उन लोगों को ऐलान करके हम बताना चाहते हैं जिन दो लोगों को आपने अकेला समझ के तलवार मारा था उन दो के पीछे ये 2000 लोग खड़े हैं। यही बात नहीं भाई पवन सा सरयाम इस चौराई और चांद में लगातार कई समय से काम कर रहा है, हम उनके साथ मिलके काम कर रहे हैं। हमने देखा कि हमारे आदिवासी भाइयों को, यहाँ के दलित मुसलमानों देहरिया समाज के लोगों को लगातार पटेल शाही के नाम पर, ये लट भूंगा के नाम पर दबाने का काम किया गया है। उनको हम बताना चाहते हैं अब तुम्हारा ये पाप का घड़ा भर गया है, क्योंकि यहाँ पर कौन भी है, डहरिया भी है, चमार भी है और मुसलमान भी एकत्रित होकर तुमको जवाब देने के लिए तैयार है। किसी को भी दबाने की एक लिमिट होती है, किसी को भी मारने की भी एक लिमिट होती है और गुंडागर्दी की भी एक लिमिट होती है। हम ये बताना चाहते हैं कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के
संविधान को हम सब मानते हैं, उसी को मानते इसलिए आज थाना के सामने धरना पे बैठे हैं। अगर इन अपराधियों की तरह हम भी अगर तलवार उठा लिए होते और संविधान की धज्जियां अगर उड़ा रहे होते तो इन लोगों को हम सड़कों में घूमने लायक बचने देते क्या? किसी भी गांव में छिंदवाड़ा जिला हो या चौरई हो या पूरे छिंदवाड़ा जिले के कोई भी तहसील हो, जहाँ जहाँ हमारे लोगों का अगर अत्याचार अगर होगा तो ऐसे पवन सा सरेआम जैसे सैकड़ों युवा सड़क में आके चक्का जाम करेंगे। ये मात्र तलवार की लड़ाई नहीं है, ये मात्र प्रतिनिधित्व की लड़ाई, क्योंकि ये जो चांद थाना में सिर्फ और सिर्फ एक जात और धर्म के लोगों की चलती है। यहाँ अगर कोई डहरिया आया, यहाँ कोई गौंड आया, यहाँ कोई भारिया आया, कोई चमार आया और कोई मुसलमान आया तो उनको दबाने की और थाना जो है संविधान के हिसाब से कम, राजनीति के हिसाब से ज्यादा चलता है। लेकिन अभी सामान्य थाना प्रभारी को हम बता देना चाहते हैं, आप अभी यहाँ पर नए नए आए हो, हमारा तो जन्म ही जो ही थाना क्षेत्र में हुआ है। हमें ये बात पता है कि अगर आपने थाना को संविधान के हिसाब से अगर नहीं चलाया तो ये हुजूम सिर्फ एक बार यहाँ पर आया है, पूरा छिंदवाड़ा जिला भी यहाँ पर जिस दिन उतर गया पूरा चक्का जाम हम कर देंगे। क्योंकि इन लोगों ने मात्र हमारे लोगों पे तलवार ही नहीं मारी, हमारे लोगों की जमीन छीनने का काम किया। इन लोगों ने मात्र जमीन ही नहीं छीनी, हमारी बहू बेटियों को छेड़ने का भी काम किया है। अरे ये कौन लोग है जो तलवार निकाल के हमारे व्यक्ति के पीठ में मारते हैं और उसका शरीर खूना खान हो जाता है? इन लोगों को किस चीज का घमंड है? इनको घमंड है इनकी राजनीति पार्टी का, इनको घमंड है इनकी सरकार का, लेकिन ये सरकार बदलने के लिए युवा सड़क में उतर चुका है। इनकी वो कुर्सी खाली करने के लिए अब युवा सड़क में उतर चुका है, अब कुर्सी भी हमारा होगा और यहाँ शासन भी हमारा होगा। आपने अगर अभी भी नहीं जागे, ये नन्हे मुन्ने बच्चे से हम ये भी कहना चाहते हैं कि बच्चों हक और अधिकार, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कहते थे हक और अधिकार मांगने से नहीं मिलता, उनको छीनना पड़ता है। क्या आप अपने हक और अधिकार छीनने के लिए तैयार हो? अरे तलवार चलाने वाले को जवाब देने के लिए तैयार हो? अरे वो लट भूंगा हमारे ऊपर चलाने वाले को जवाब देने के लिए तैयार हो? पुलिस प्रशासन से निवेदन, अब से थाना में संवैधानिक आप कार्रवाई करें, सही को सही और गलत को गलत आप ठहराएं, क्योंकि इससे शांति व्यवस्था बनी रहेगी। अगर पुलिस थाना भी अगर राजनीति करने लगा तो ये शांति व्यवस्था बिगड़ जाएगी, इतनी बिगड़ जाएगी कि इसको संभालना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये गौंड मुसलमान और डहरिया समाज के लोग रहते दिन भर से। आप लोग प्यासे दिन भर से पूरे धूप में आपका चेहरा मैं देख रहा हूँ पूरा काला पड़ चुका है। आपके इस आंदोलन को, आपके इस उलगुलान को, आपके इस क्रांति को मैं सैल्यूट करता हूँ, जय जोहार और जय भीम कहता हूँ मेरे साथी। क्योंकि यही हुजूम आज से 10 साल पहले अगर आप यहाँ पर निकाल देते तो पवन का सरेआम जैसे साथी हमारे विधायक बन के चौड़े में बैठते, लेकिन आपने बहुत देर लगा दिया, आपने बहुत देर लगा दिया। लेकिन बैठो नीचे, बैठो नीचे, ये मेरे को अत्याचार होने को मेरे को माया मिला ली है ना, अभी मारे से अभी मारे ना, अभी मारे किसने मारे पुलिस वाले ने मारे, बिहार वाला है कोई तलवार चला रहा है पुलिस वाले क्या मारे पुलिस वाले ने मारे क्या मारे देख लो भैया, गन मारेगा तो नहीं मारा क्या इनको, क्या मारा गया? पहले इनका इलाज करवाओ यार, ये हाफ मर्डर की श्रेणी में आएगा कि नहीं? इनका इलाज करवा पे नहीं करवाऊंगा। सोचो यार इस कदर अगर मेरा मैं सुनो भाई, अब सुनो, हम लोगों ने जो शक्ति प्रदर्शन किया, हमारी जो मांगे थी शासन प्रशासन, अरे सांतरा बेटा सुनते खत्म ना कर, सुनो अपनी जो मांगे थी भाई यहाँ पर आए, इतने समय मेरे पास महेश श्रीवासी जी आए, तुलसी भाई आए हैं, और भी सारे मिथुन दुबे जी हैं, और अपने बिपिन लोधी भाई भी हैं, और भी शिवम पाड़े जी भी यहाँ पर आए,
सतीश भलावी जी भी है भाई, मिथुन उनके किधर है पाने वाले? अरे इधर चांद में फिर मास्क, और भैया भी आए वो देखो काम वाले अपने पूरे बैठे हैं उधर के। भैया जितने चांद वाले युवा चौड़े वाले सुन लो, तुम्हारे साथ खड़ा होने के लिए छिंदवाड़ा से, अमरवाड़ा से, अमरवाड़ा से रवि कुशराम सरपंच साहब भी आए, पूरा साथी आपके साथ आया है, आपके साथ खड़ा है। जब जब आपके ऊपर अत्याचार होगा, जब जब ये लोग आपको गलत शब्द बोलेंगे, जब जब आपकी जमीन छीने जाएगी, जब जब ये आपको डराने धमकाने और पटिया साई दिखाने का काम करेंगे, उस समय हमारे युवा ऐसे लठ लेके सड़क में उतरने का काम करेंगे। प्रशासन से निवेदन है, अगर एमएलसी रिपोर्ट आ गई हो या फिर आप मौखिक रूप से, संवैधानिक रूप से, लिखित रूप से, जिस तरीके से भी एक जवाब दे देंगे, ताकि आंदोलन व्यवस्थित रूप से हम समाप्त करें। अंदर का हुआ वहाँ पे हमारे लोगों को मारा है, तो वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, वो फुटेज निकाल के जितनी आरोपी है उनको वो तो बोल नहीं हो सकती ना। बैठ बैठ नीचे बैठ 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 नीचे बैठो, ये बात कर रहे मारने वाले चल रहे साथी आज चांद में है, और आज बहुत बड़ा आंदोलन है। हमारे युवा साथी जो हमारे दो युवा साथी को तलवार मारा गया है रघुवंश, उनके लिए आज हमारा प्रदर्शन आंदोलन है। बीजेपी का नेता है, बीजेपी का नेता नहीं होगा, कस्टडी हमारे सामने लाओ उसको, अरे हमको भी तो पता चले सामने नहीं। बैठो बैठो हमारे मोदी लोगों को दिखावा दिया, आपने बोले तो वहाँ पे दिखाने बच्चे की सुनो यार पहले, भैया इसको किसने मारा है, इसको किसने मारा है, अरे इसको किसने मारा है, अरे हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इसके साथ दुर्घटना घटी वो लड़की ले लो आप, हम नहीं हम नहीं जाने, कुछ मंडल देखेगा हमारा, हम बिल्कुल मंडल जितना है तो हम भाई वो देखेंगे, बिल्ली बकायदा जो भी है पूरे अरेस्ट होंगे, आवाज से बाधा कर रहे हैं आप, नहीं तो बाधा हमारे सामने हो रही है, हमारे सामने हो रही है, सुनो इधर सुनो, हमारे सामने अंदर होने आज चांद में चक्का जाम, हमारे लोगों को दो लोगों को तलवार मारा गया, इसके शासन प्रशासन हमारी मांग पूरी नहीं कर रही पब्लिक पब्लिक देखना चाहती है, अरे बैठो बैठो भाई लोग भाई लोग, हम बात कर रहे हैं, देखने की बात उनके सामने बोले थी, क्या कोई लड़का ही किसको किसको मारे थे, पीड़ित है, पीड़ित है, पीड़ित है ना, भैया 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 इस बंदे को भैया बैठा लो, अरे बैठो बैठो बैठो
बैठो बैठो बैठो अरे अरे इधर घुमा भाई साहब वीडियो वाले बैठो 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 अरे बैठो यार भैया अपने व्यवस्था बनाना पड़ेगा पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद पुलिस मुर्दाबाद बैठो 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 भैया 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 बैठो अरे वो बता रहा है भाई गिरफ्तार कर रहे हैं बैठ जाओ नीचे बैठ जाओ देखा लेके जा रही है अन्याय अत्याचार नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे अन्याय अत्याचार नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे अरे अत्याचार करना बंद करो बंद करो बंद करो अरे अत्याचार करना बंद करो बंद करो बंद करो अरे हम अपना अधिकार मानते नहीं किसी से भी मानते निकलो घर मकानों से जंग लड़ो बेईमानों से अरे निकलो घर मकानों से जंग लड़ो बेईमानों से अरे निकलो घर मकानों से जंग लड़ो बेईमानों से मेरे साथियों ये तो जंग लगातार जारी रहेगी अभी नीचे बैठ जाओ जब तक अपन गिरफ्तार वाली फोटो देखेंगे तब तक जाने जा रहे हैं